हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं संजना और मैं स्वागत करती हूं आपका हमारे चैनल लव यूज एकेडमी में, जहां पे हम लेकर आते हैं होम बेस्ड की न्यू जॉब्स जो कि बिना इन्वेस्टमेंट के आप घर बैठे कमा सकते हैं। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आप डाटा एंट्री की जॉब घर बैठे कर सकें। तो दोस्तों चलिए अब पहली जॉब की तरफ बढ़ते हैं जो कि है डाटा एंट्री टाइपिस्ट की। और बात करें अगर कंपनी प्रोफाइल की तो जो कंपनी है वो है ऑक्सजेंट कंसल्टेंट सर्विसेज। और एक्सपीरियंस की बात करें तो यहाँ पे फ्रेशर्स है और फ्रेशर्स के लिए एक अच्छा मौका है अप्लाई करने के लिए। वहीं एक्सपीरियंस की अगर हम बात करते हैं तो 5 इयर्स है। सैलरी की बात करूँ तो मैं यहाँ पे 3 लाख है मिनिमम, मैक्सिमम है 7,50,000 पर ईयर। लोकेशन आपकी रहेगी गाज़ियाबाद, नोएडा और गुरुग्राम। तो दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं और आगे अगर मैं लोकेशन की बात कर रही हूँ आगे बढ़ने से पहले, तो लोकेशन वैसे तो ओवरऑल इंडिया रहती है, लेकिन अगर आप सोच रहे हो कि यहाँ के लोगों को चुना जाएगा तो हो सकता है बेसिकली कंपनी यहाँ के लोगों को चुने, लेकिन आप ओवरऑल इंडिया से अप्लाई कर सकते हो क्योंकि डाटा एंट्री का काम तो आप कैसे करते हो उस पर डिपेंड करता है। तो चलिए अब जॉब डिस्क्रिप्शन की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे एक्सपीरियंस हो, आप फ्रेशर हो तो भी अप्लाई कर सकते हो, और आपको बस कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए, साथ ही आपके अंदर स्किल्स होने चाहिए। आप जानते हो वी लुकअप और माइक्रोस को, तभी आप इसके लिए एलिजिबल है क्योंकि आपको एक्सेल पर काम करना होगा। और तो चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं और कैंडिडेट प्रोफाइल की तरफ बढ़ते हैं। तो कैंडिडेट प्रोफाइल में अगर आप सीरियस हो और आपको कंप्यूटर की नॉलेज है, क्योंकि ये मैनुअल बेस्ड प्रोजेक्ट रहेंगे आपके, आपको बेसिक कंप्यूटर नॉलेज होनी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक चीज़ और है कि आपको लैपटॉप और सिस्टम की नॉलेज होनी चाहिए। पेमेंट्स आपकी वीकली और मंथली रहेगी और कोई प्रेशर नहीं होगा, आप खुद के बॉस होगे, कोई टाइम लिमिट नहीं है अप्लाई करने के लिए। जॉब इन्फो की बात करें तो जो जॉब रोल है वो फ्रेशर्स के लिए रहेगा। इंडस्ट्रियल टाइप आपकी बीपीओ, कॉल सेंटर आईटीएस रहेगी। फंक्शनल एरिया आईटीएस, बीपीओ, केपीओ, एलपीओ रहेगा। एम्प्लॉई टाइप फुल टाइम और परमानेंट है। और साथ ही एजुकेशन की बात करूँ तो ग्रेजुएट होने चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएट होने चाहिए वो। अगर आप 10th 12th पास हो तो भी अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो। की स्किल्स की बात करूँ तो कंप्यूटर ऑपरेटर हो आप, साथ ही आपको बैक ऑफिस की नॉलेज होनी चाहिए, टाइपिंग स्पीड आपकी अच्छी होनी चाहिए, प्लस आपको एक्सेल की नॉलेज होनी चाहिए। एमएस ऑफिस में आप डाटा एंट्री ऑपरेटर रहोगे। दोस्तों चलिए दूसरी जॉब की तरफ बढ़ते हैं जो कि है फॉर्म फिलिंग की। और साथ ही ये भी डाटा एंट्री का ही एक पार्ट है जिसमें आपको फॉर्म फिल करने होते हैं, फॉर्म की टाइपिंग करनी होती है। तो आप बहुत आसान है इसको करना, तो ये सिंपल टाइपिंग जॉब आप कह सकते हो, एक अच्छा चांस है आपके पास यहाँ अप्लाई करने के लिए। तो कंपनी प्रोफाइल की बात करूँ तो जो कंपनी है वो है सनराइज सॉल्यूशंस। एक्सपीरियंस की बात करूँ तो फ्रेशर्स 2-1 ईयर्स है। साथ ही सैलरी की बात करूँ तो 1,50,000 है मिनिमम, मैक्सिमम है 5,50,000 पर ईयर। और लोकेशन की बात करूँ तो पुणे, दिल्ली, NCR और हैदराबाद है, लेकिन आप कहीं से भी एलिजिबल हो अप्लाई करने के लिए। साथ ही जॉब डिस्क्रिप्शन की अगर मैं बात करूँ तो आप को इंडिया के ही प्रोजेक्ट्स मिलेंगे। ऑफलाइन टाइपिंग वर्क भी है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इजी है ये जॉब करनी क्योंकि ये सिंपल टाइपिंग जॉब है। ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग, हैंड राइटिंग वर्क भी है और कॉपी एंड पेस्ट जॉब भी निकली है यहाँ पे। पोस्ट कार्ड राइटिंग वर्क अवेलेबल, तो आप समझ सकते हो कितनी सारी जॉब्स एक साथ निकली हैं इस वैकेंसी में। और जॉब इन्फो की बात करूँ तो जॉब रोल है वो फ्रेशर्स का है। इंडस्ट्रियल टाइप आपकी कंस्ट्रक्शन, इंजीनियर, सीमेंट, मेटल्स रहेगा। साथ ही फंक्शनल एरिया अकाउंट्स, कंपनी सेक्रेटरी। और एम्प्लॉई टाइप आपका पार्ट टाइम, फ्रीलांस एंड होम बेस्ड है। तो दोस्तों चलिए अब आगे बात करते हैं एजुकेशन की। तो अगर आप 10th 12th तो भी आप एलिजिबल हो अप्लाई करने के लिए, लेकिन आप ग्रेजुएट हो या पोस्ट ग्रेजुएट हो तब भी मत घबराइए, आप आराम से अप्लाई कर सकते हो। लेकिन अगर आपकी क्वालिफिकेशन आप चाहते हो या आप स्टूडेंट हो तब भी आप अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि बेसिकली होम बेस्ड जॉब में आपको 2 से 4 घंटे ही काम करना होता है, कोई हार्ड एंड टफ नहीं है इसको करना। और साथ ही बस आपकी टाइपिंग स्पीड थोड़ी अच्छी होनी चाहिए। आपकी स्किल्स की बात करें तो आपको कंप्यूटर ऑपरेट करना आना चाहिए, टाइपिंग स्पीड आपकी अच्छी होनी चाहिए, आप डाटा एंट्री ऑपरेटर रहोगे। एमएस ऑफिस की आपको थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए जिसमें एक्सेल, वर्ड की नॉलेज होनी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप कंप्यूटर डाटा एंट्री ऑपरेटर रहोगे। तो दोस्तों आगे बढ़ते हुए हम बात करने जा रहे हैं तीसरी जॉब की। और बेसिकली जो तीसरी जॉब है वो है डाटा एंट्री। तो जैसे कि हम बात कर ही रहे हैं तो डोमेस्टिक बीपीओ है ये, और एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट है फ्रेशर्स 2-1 ईयर्स। फ्रेशर्स के पास एक अच्छा चांस है अप्लाई करने के लिए। सैलरी की बात करूँ तो 2 लाख है मिनिमम, मैक्सिमम है 2,50,000 पर ईयर। और लोकेशन की बात करूँ तो लोकेशन आपकी रहेगी दिल्ली, NCR, गुरुग्राम और नोएडा। तो दोस्तों वैसे तो आप ओवरऑल इंडिया से अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो। और आगे बढ़ते हुए हम जॉब डिस्क्रिप्शन की अगर बात करते हैं तो जो जॉब डिस्क्रिप्शन में डाटा एंट्री की डाटाबेस की जॉब है, और रेगुलर एंड करेक्ट होना चाहिए, आपको स्कैन करना है और प्रिंट करना है पेपर्स को।
और साथ ही रिव्यू करना है और वेरीफाई करना है शीट पे, और आप इससे कमा सकते हो 20,000 पर मंथ और साथ ही इंसेंटिव। और गिव द रेगुलर डिटेल ऑफ वर्क, आपको रेगुलर डिटेल भेजनी पड़ेंगी जिस कंपनी से आप मतलब जुड़ने वाले हो इस कंपनी से। तो जो आप इन्फो की बात करूँ तो जो जॉब रोल है वो फ्रेशर्स का है और इंडस्ट्रियल टाइप आपकी रहेगी BPO, कॉल सेंटर, ITS। फंक्शनल एरिया आपका रहेगा IT सॉफ्टवेयर, प्रोग्रामिंग एंड मेंटेनेंस। एम्प्लॉय टाइप रहेगा फुल टाइम परमानेंट। और साथ ही अगर मैं एजुकेशन की बात करूँ तो जो एजुकेशन में आप ग्रेजुएट हो और पोस्ट ग्रेजुएट हो तो भी बढ़िया है, लेकिन अगर आप नहीं हो, आप 10th 12th पास हो या आप अभी कुछ भी स्ट्रीम से हो, किसी भी स्ट्रीम से हो जैसे कि कॉमर्स, आर्ट्स, तो भी आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो, क्योंकि डाटा एंट्री की जॉब में बस आपको टाइपिंग स्पीड की रिक्वायरमेंट होती है और किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो एक अच्छा मौका है हाउसवाइफ्स और जॉब सीकर्स के लिए यहाँ अप्लाई करने के लिए। और की स्किल्स की बात करूँ तो आपको इंटरनेट की जो है नॉलेज होनी चाहिए, कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए। डाटा एंट्री की जॉब है तो आपको बेसिकली MS ऑफिस आना चाहिए, जिसमें एक्सेल और पावर पॉइंट या फिर आपको वर्ड भी आना कंपलसरी है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हुए अब हम बात करने जा रहे हैं चौथी जॉब की, और जो चौथी जॉब है वो है पार्ट टाइम डाटा एंट्री की। और साथ ही जो कंपनी रहेगी वो है RSB इन्फोटेक, और एक्सपीरियंस है फ्रेशर्स टू 4 ईयर्स। सैलरी की बात करूँ तो 1,75,000 मिनिमम है, मैक्सिमम है 6,75,000 पर ईयर। और लोकेशन, जैसे कि बेसिकली आप ओवरऑल इंडिया से अप्लाई कर सकते हो, तो यहाँ पे लोकेशन आपकी पुणे दे रखी है और हैदराबाद दे रखी है, तो दो लोकेशन मैंने आपको बता दी, अदरवाइज आप ओवरऑल इंडिया से एलिजिबल हो अप्लाई करने के लिए। जॉब डिस्क्रिप्शन की बात करूँ तो आप अगर पार्ट टाइम अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हो डाटा एंट्री की जॉब की तो आप आराम से कर सकते हो यहाँ पे, और आप कमा सकते हो सिर्फ 10 दिन में 40,000 और शायद इससे भी ज़्यादा। मेडिकल कंटेंट टाइप करना है आपको, 12 से 20 बॉक्सेस होंगे कॉपी पेस्ट के लिए, और एक्सेल न्यूमेरिकल एंट्री होंगी। फॉर्म फिलिंग की जॉब है ये, साथ ही मतलब कि आपको फॉर्म फिलिंग की जॉब भी मिल रही है। तो आपको ध्यान रखना है कि कुछ चीज़ों का, कि जैसे कि बेसिकली आप जो है टाइम अच्छे से निकाल के जब भी आप काम करने बैठो तो दिल से बैठो और अच्छे से मन लगा के करो बस। और जॉब इन्फो की बात करूँ तो जो जॉब रोल है वो ट्रेन का है, और साथ ही इंडस्ट्रियल टाइप आपकी रहेगी IT सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर सर्विसेज। फंक्शनल एरिया आपका रहेगा IT सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशंस, प्रोग्रामिंग, मेंटेनेंस, और एम्प्लॉय टाइप है फुल टाइम परमानेंट। और दोस्तों चलिए अब की स्किल्स की बात करते हैं। तो जो कंप्यूटर ऑपरेट करना आना चाहिए आपको, बैक ऑफिस की आपको नॉलेज होनी चाहिए, टाइपिंग स्पीड आपकी अच्छी होनी चाहिए, डाटा एंट्री ऑपरेटर रहोगे आप, और आपको MS ऑफिस की नॉलेज होनी चाहिए और कंप्यूटर डाटा एंट्री ऑपरेटर का आप वर्क करने वाले हो। और साथ ही एजुकेशन में अगर आप 10th पास हो 12th पास हो तब भी एलिजिबल हो अप्लाई करने के लिए, अदरवाइज 10th पास हो 12th पास हो तब भी एलिजिबल हो अप्लाई करने के लिए, अदरवाइज आप ग्रेजुएट हो पोस्ट ग्रेजुएट तब भी आप अप्लाई कर सकते हो आराम से। तो डाटा एंट्री की जॉब में एजुकेशन मायने नहीं रखती है, बस आपको टाइपिंग आनी चाहिए। तो दोस्तों चलिए पांचवी जॉब की तरफ बढ़ते हैं। जो पांचवी जॉब है ये डाटा एंट्री ऑपरेटर की है, कंपनी है यूनिक ट्यूटरिक प्राइवेट लिमिटेड, और कंपनी प्रोफाइल की जैसे कि मैं बेसिकली बात कर रही हूँ अभी, एक्सपीरियंस जो है फ्रेशर्स टू 5 ईयर्स है। तो फ्रेशर्स और जॉब सीकर्स के बाद एक अच्छा चांस है यार, अप्लाई करो ना अप्लाई करने के लिए। सैलरी की बात करूँ तो 2,50,000 है मिनिमम और मैक्सिमम है 6 लाख पर ईयर। लोकेशन अहमदाबाद रहेगा आपका, बेंगलुरु और साथ ही पुणे। तो वैसे तो आप ओवरऑल इंडिया से अप्लाई कर सकते हो, लेकिन कंपनी प्रेफर करेगी यहाँ के लोगों को। और दोस्तों जॉब डिस्क्रिप्शन की बात करें तो पहले ही बता दूँ मैं आपको कि टाइपिंग जॉब है और डाटा एंट्री की जॉब है तो कॉपी पेस्ट होगी साथ ही, लेकिन एक चीज़ का आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है वो ये कि डाटा एंट्री की जॉब में कोई एजुकेशन मैटर नहीं करती या क्वालिफिकेशन आप क्या करती हो ये मैटर नहीं करता, बस कंपनी जो होती है उसे काम से मतलब होता है कि बस आप उसका काम जो है टाइम पे पूरा कर सको। क्योंकि यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे कोई टारगेट नहीं है होता, आपको कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए, कोई टाइम लिमिट नहीं है, कोई सेट टारगेट है ही नहीं, तो आपको आराम से काम करना होता है। तो दोस्तों चलिए अब जॉब इन्फो की बात करते हैं। तो जो जॉब रोल है वो सेल्स, बिजनेस डेवलपमेंट, मैनेजमेंट का है, और साथ ही बात करूँ अगर मैं आगे इंडस्ट्रियल टाइप की तो एडवर्टाइजिंग PR MR। फंक्शनल एरिया आपका रहेगा सेल्स रिटेल, एम्प्लॉय टाइप रहेगा पार्ट टाइम फ्रीलांस, रोल कैटेगरी रहेगी रिटेल सेल्स। तो दोस्तों अगर मैं एजुकेशन की बात करूँ तो ग्रेजुएट हो पोस्ट ग्रेजुएट हो तो गुड है, आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन अगर 10th 12th पास हो तब भी आप एलिजिबल हो अप्लाई करने के लिए। की स्किल्स की बात करो तो आप कंप्यूटर ऑपरेटर रहोगे, बैक ऑफिस की आपको नॉलेज होनी चाहिए, टाइपिंग स्पीड आपकी अच्छी होनी चाहिए, आप
डाटा एंट्री ऑपरेटर रहोगे, एमएस ऑफिस की आपको नॉलेज होनी चाहिए, जिसमें एक्सेल और वर्ड की आपको मोस्ट इंपॉर्टेंटली नॉलेज होनी चाहिए। तो दोस्तों आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए मेरी वीडियोस। तो अब आपके माइंड में आ रहा होगा मैं अप्लाई कैसे करूँ, करो ना अप्लाई, मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में URL दे रखा है, उस पर क्लिक करके Naukri.com पे जाकर के अप्लाई करो, क्योंकि हमारी पूरी टीम Naukri.com से जेन्युइन वीडियो आप तक पहुंचाती है। और साथ ही अगर आपने अभी मेरा वीडियो देखा है उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया है आप लोगों का, और प्लस सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि अगर सब्सक्राइब नहीं करोगे, बेल आइकन नहीं दबाओगे, तो मेरी न्यू वीडियोज़ की अपडेट्स आप तक कैसे पहुँचेंगी। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।